एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत टाइम से मैंने स्टैंड अप कॉमेडी पे कोई भी रिएक्शन नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा व्हाई नॉट। आज मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन है गौरव गुप्ता, उनका वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रहा है गाइज, और उनकी बहुत सारी वीडियोज ट्रेंडिंग पे आती है। बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है। मैंने उनकी एक और वीडियो पे रिएक्ट किया हुआ है, सास बहू समथिंग कुछ था ऐसी उसका टाइटल। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे चेकआउट जरूर से कर लेना। और मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके पिछली वीडियो देखो, राउंड टू हेल की वीडियो थी, और बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस आप लोगों ने दिया है उस वीडियो को। और उसके ओरिजिनल वीडियो पे तो 18 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। एज ऑफ वाटर टाइटल है उसका, बहुत ही कमाल का वीडियो उन्होंने बनाया है। नहीं देखा है तो चैनल पे जाके चेकआउट मारो यार। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो का टाइटल है डॉटर, और पता नहीं वीडियो के अंदर क्या है, डॉटर के बारे में क्या बोलने वाले हैं, हंसाने वाले कैसे नहीं पता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं फिर लास्ट में मेंशन करूंगी मुझे कैसा लगा वीडियो, और जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं अच्छा बोलती हूँ, जो बुरा लगता है मैं उसको साफ साफ बोल देती हूँ कि मुझे ये चीज़ बहुत ही खराब लगी। तो वो चीज़ जानना हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। तो इसी तरह से आप भी बने रहिए, प्यार सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह के अमेजिंग कंटेंट्स लाती रहूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल इट आउट। गौरव गुप्ता। हे भगवान, मेरी जब भी बच्चा हो मेरे को डॉटर ही देना। और भगवान ने सुन ली, डॉटर हो गई मेरे को, मैं बड़ा खुश। इंडिया में लेकिन अगर तुम्हारे डॉटर हो जाए, लोग भाई साहब तुम्हें कंसोल करने पहुंच जाते। मेरी डॉटर, उनको लगता है उदास ही आदमी। मेरी डॉटर में मैं खुश हूँ, मेरा रिश्तेदार आगे कोई बात नहीं। लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी। मैंने कहा, मैंने तुझसे पूछा कौन सा देवता पैदा हुआ मेरे घर में, और ये लक्ष्मी लक्ष्मी क्या कर रहा, चंडी है तो भी हमारी बेटी है। वाह, चंडी है। मैंने पूछा तुझसे, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में जब भी जहां जिधर भी लड़की पैदा रहे, लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी। आत्महत्या मत करना भाई साहब, आत्महत्या कर लेगा। क्यों? लड़का जब भी पैदा होता कोई नहीं बोलता भैरव हुआ भाई साहब, भैरव, भैरव हुआ भाई साहब, भैरव। बहुत शराब पिएगा भाई साहब, भैरो भैरो, ये सारे काल भैरो घूम रहे हैं। लड़का बड़ा तो क्या बोलता है, चिराग हुआ भाई साहब, चिराग, खानदान का चिराग, जो आग लगती है उसके बाद घर में बुझाई नहीं बुझती भाई साहब। सही में, ये तो सही बात बोल रहे हैं। अभी रूरल की बात नहीं कर रहा मैं, अर्बन पॉपुलेशन को भी इतनी आग है ना कि एक तो हो ही जाए, दो बच्चे तो एक तो लड़का है, और ये लेडीज लोग ही आग लगा रही है, वही औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन, एक तो हो जाए ही या चिता में फूक करके आग लगा सिर्फ, है ना, एक तो होना चाहिए भाई। कुछ एक फायदा क्या है मैं बता दूं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग से सोचवाता तुम्हें, तुम्हारी लड़की हो जाए तुम्हारी जिंदगी में ऐशी ऐश। ये भी तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम दिल्ली का क्राउड हो, तुम्हें सबसे सबसे पहले प्यारा होता अपना आराम, है ना, अपना आराम चाहिए, लड़की कर लो, वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, बट हो जाए तो सोचो लड़की होगी तुम्हारे, ठीक है, उसको पालो पोसो बड़ा करो। 22-23 साल की शादी हुई, शादी हुई वीकेंड पे आएगी चिड़िया उड़ती हुई, जमाई के लिफाफा दो, दोता दोती को 200-200 रुपये दो, भगाओ सालों को। वीकडे अब तुम्हारे, मंडे टू थर्सडे मजे मारो, तुम और तुम्हारी बीवी करो रिटायरमेंट इंजॉय, 4 BHK फ्लैट में मजे मारो भाई साहब, जॉइंट बनाओ साला ड्राइंग रूम में, ये मॉल्डीव घूमने जाओ, लास वेगास घूमने जाओ, मजे मारो, चिल। पीछे से आवाज आ रही है तुम्हारे, हैं तुम्हारी बेटी के ससुराल से, तुम्हारी बेटी कलेश करती है, तुम्हारी बेटी ये करती है, तुम्हारी बेटी वो करती है, हा, 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 हा। भुक तो, भुक तो, भुक तो। हमने तो कर दी अपनी प्रॉब्लम आउटसोर्स, हमने तो अपनी हमें क्या पता क्या करती, दे दी। क्या करती। हमने तो दिया दी तुम्हें अपनी चिड़िया, और हमें फालतू का मत भड़काओ, हमारी बेटी ये करती है, हमारी बेटी वो करती है, हमें तो बहुत प्यार करती थी हमारी लाजो, हमने तो चिड़िया ही भेजी थी तुम्हारे ससुराल, तुमने चोच मार मार के उसे बाज बना दिया, कुछ तो तुमने ही खाने की मेड नहीं लगाई, अब भुगतो। और मैंने भाई ये शादी तो बहुत बहुत ज्यादा आगे की बात बोल दी कि शादी के बाद तुम्हें मजे मारोगे तुम, जब तुम्हारी डॉटर हो गई तब से तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड है, क्योंकि अगर तुम पेरेंट हो तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए होती अपने बच्चे से, पहला तुम्हारा बच्चा ढंग से पढ़ ले, सारा दिमाग उसी में खुदता है कि ढंग से पढ़ ले और करियर में ढंग से एस्टैब्लिश हो रहा है, लड़कियां फेल होती नहीं। आप हुई हो कभी? ये देखो टैटू बनवा रखा है भेड़िया का, तभी भी फेल नहीं हुई। मैं भी नहीं हुई। लड़कियां फेल होती, ये पेपर में थूक के भी आ जाए पता नहीं कहां से पास, कहां से पास, इनके पुराने कर्म इतने अच्छे होते हैं।
अटेंडेंस पूरी मैम से भी बदतमीजी नहीं करी, क्लीनलीनेस के मार्क्स, यस, होमवर्क की कॉपी अलग, क्लास वर्क की कॉपी अलग, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी अलग, लड़कियां नीटनेस तो रखती हैं। लड़कों को देखा हरामखोरों को, क्लास वर्क की कॉपी लेके आए, होमवर्क चेक करे फाड़ दी, वहीं के वहीं बना दूंगा। सही में लड़के फाड़ने में बहुत मुश्किल है, पूरे होमवर्क फाड़ के बना दी, यूनिट टेस्ट होना पूरी कॉपी फाड़ के 10 पे छोड़ दी, बन गई यूनिट टेस्ट की कॉपी, इसलिए ना कवर चढ़ाते ना नेम प्लेट लिखते किसी पे साले। तुम्हारे लड़की है भाई, तुम्हें उसको बताने की जरूरत नहीं कि बेटा पढ़ ले एग्जाम सारे, तुम्हारी लड़की तुम्हें बताएगी कि पापा धीरे फोन पे बात कर लो, मैं पढ़ रही हूँ, एग्जाम चल रहे हैं, मम्मी मुझे बार बार किचन में मत बुलाओ। लड़का अगले दिन है, लड़का भाई साहब एक रात पहले हांड रहा है एग्जाम से, बाप कल एग्जाम है, मालूम ही नहीं है कल एग्जाम है, तो सही बापू अपने झंडू से दोस्त को फोन करके भाई कल पेपर है क्या, बापू बता रहा था, वो से ज्यादा हैरान क्या बात कर रहा है, वो से ज्यादा हैरान है भाई, पापा ने बताया भाई कल एग्जाम है भाई, पापा ने बता रहे हैं, पापा बता रहे हैं एग्जाम में, ये भगवान भाई ये काम करते हैं, टीप लेंगे भाई कल से, टीप लेंगे किसे, टिपवा दिया भाई, टिपवा दिया प्लीज, तो भी सोचा मैं भी सो जाता हूँ भाई, ओके ठीक है। लड़कियां भाई तीन तीन बार रिवीजन करके बैठ जाती हैं, दो दिन पहले एग्जाम से, दो बार तो मिरर में सुना देती है पूरा सिलेबस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एमिट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसके बाद भी भगवान से प्रे करके सोते कि डियर गॉड आई हैव प्रिपेयर्ड वेल एनफ, मेरा एग्जाम अच्छा करवा देना डियर गॉड, सही एकदम सही हो रहा है जो भी बोल रहा है एकदम करेक्ट है, मुझे मैं तो ऐसा ही करती थी, कोई प्रार्थना कोई कुछ नहीं, लड़के करते थे सरेंडर, हे भगवान मैं अपनी हार कबूल करता हूँ भगवान, बस बाप की बेल्टे सहने की ताकत देना भगवान, भगवान नहीं, लेकिन हमारे क्लास में लड़के भी बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू थे, बस मेरे उस झंडू कुछ लड़कों को छोड़ के देना भगवान, नंगे पांव आऊंगा तेरे द्वारे, मैं झूठ नहीं बोला, मैंने लाइव देख रखा लड़कियां जैसी क्वेश्चन जैसे निकलेंगी ना एग्जाम हॉल से, क्वेश्चन पेपर लेके गुट बना के डिस्कस करने लग जाती हैं, कितने अटेम्प्ट करे कितने छोड़े, इसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में शॉर्ट आंसर, हाउ एम आई डूइंग इन द एग्जाम, लड़के तो निकलते इस क्वेश्चन पेपर को चलाते भाई, इसको आग लगा दे अभी के अभी पेट्रोल लगते, खा जा तू खा जा, पाना मैं पिलाता हूँ, बापू के हाथ ना लग जाए भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बहन इसको इसको जला दे भाई, इसको आग लगा दे, मिट्टी में दफना दे भाई इसको, एजुकेशन करियर सॉर्टेड, दूसरा तुम्हें चाहिए होता अपने बच्चे से कि वो ढंग का लाइफ पार्टनर ढूंढ ले, है ना, करियर तो हो गया, अब लाइफ पार्टनर अच्छा ढूंढ ले, आगे की जिंदगी अच्छे से गुजारे, लड़कियों को शक्ति दी है भगवान ने, गधों को छाट रहेगी, लड़कियों के अंदर रेगुलेटर फिट है, किस लड़के को कितना मुंह लगाना है अपने हिसाब से कम ज्यादा करती रहती है, कौन फ्रेंड कौन बेस्ट फ्रेंड कौन कंधा कौन फ्रेंड जोन, किसका लंबे वाला काट रहे हैं, किससे सीरियस रिलेशनशिप किससे शादी, क्रिस्टल क्लियर, लड़कों को पता नहीं जिंदगी में चाहिए क्या, इनका टिंडर वाली भी मिल जाए, बंबल वाली भी मिल जाए, फ्रेंडशिप बेनिफिट हो जाए, बैंक ऑफ भी मजे मार लूं, टैक्सी भी कुछ भी मिल जाए, शक्ल कुत्ते थी कुत्ते जैसे, लड़कों का एक ही इमोशन है भैया कुछ तो हो जाए बस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लाइक मैम व्हाट्स योर नेम, ये हाँ सताक्षी, ये तो ट्रेन का नाम लग रहा है ऐसे, शताब्दी सताक्षी एक्सप्रेस, अब सताक्षी जी ने अगर सपोज अपनी मम्मी को बोला होगा कि मम्मी मैं जो हूँ बिल्कुल टाइम पे आ जाऊँगी 10 o'clock तक आ जाऊँगी, तो 9:45 पे सताक्षी आंटी को मैसेज कर दी ऊपर देखते हुए कि मम्मी स्टिल इन अ कॉमेडी शो, मैं लेट हो रही हूँ मम्मी, ये मोटा उतर ही नहीं रस्ते, सॉरी इमोटिकॉन, ताकि आंटी को टेंशन ना हो सताक्षी की, है ना, पहले ही बता देगी मम्मी ठीक है आप टेंशन मत, आंटी को पड़ी भी नहीं होगी, आंटी अपने सीरियल देख लेंगी, बट ये बता देगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे लौंडे लपटे हैरान देते हैं, इनकी माँ का चार चार पाँच पाँच बार फोन आ चुका होगा, ये साले उठा के नहीं राजी, छठी सातवीं बार जाके उठाएंगे, हाँ क्या कह रही हो, करेक्ट करेक्ट, खाना खा लिया तो खा लिया, तुम खा लो खुम खा लो सब खा ले, खाना खाना खा, इनको पता माँ सिर्फ खाने की बात पूछ रही है, सुनते ही नहीं है दूसरी साइड से क्या आवाज आ रही है, माँ अगर बोल भी रही होगी ना बेटा चोर मेरा गला घोट रहे, खाना खा लिया था, हाय राम, वाह अमेजिंग,
मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सताक्षी जी अगर सपोज घर पे गई, सपोज लेट हो गई, तो ये फटाफट से घर जाएंगी कि आंटी को टेंशन ना हो जाए। धीरे धीरे नॉक करेंगी, है ना, मम्मी आप ठीक तो ना, आपका बुखार वुखार क्या था, थोड़ा सा बॉडी एक था, कोई टेंशन नहीं। लड़कियाँ फिक्र तो करती हैं। फिर अपने कमरे में जाएगी, उनको पानी वानी सर्व करके थोड़ा तकिया वकिया लगा के फिर अपने कमरे। रिस्पॉन्सिबल भी ये लौंडे, ये शो के बाद पहले 2 घंटे भंडोंगे, कुत्ते की तरह भंडोगे पूरे घर में, शर्ट के बटन खोले खोल दो खोल दो। फिर इनकी माँ की बेटा बताता नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं खोलते नहीं है, कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं, कुछ नहीं, जिंदा है मर गए कुछ नहीं। नंदनाते भी जाएंगे, वॉलेट इधर है, बेल्ट इधर, मोबाइल इधर, अपने कमरे में की कुंडी बंद करके खुजाना शुरू। मेरे कमरे में कोई मत आना, नेटफ्लिक्स देख रहा हूं मैं। और इनके पैदा होने के लिए अरदासें मांगी गई थी कि हो जाए, देख रहा क्या हुआ है। अमेजिंग। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि लड़के अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, लड़कियां करती है, लड़के भी करते हैं, करते हैं, हम भी करते हैं, बट ऐसा पत्थर मार केयर होती ना हमारी, मन ही नहीं करती साले अपने पास ही रख ले। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद ऐसा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पापा को शुगर निकली, मेरी बहन ऐसे हो गई जैसे उसको निकल आई हो। पापा आपको शुगर हो गई है, अब से मैं आपको वॉक पे लेके जाऊंगी, पापा ये कैसे हो गया, मैं आपकी फीकी चाय बनाऊंगी, पापा आप टेंशन मत लो, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से सब ठीक हो जाता है, पापा आप टेंशन मत लो, हक कर लिया पापा को, यहाँ मैं सोफे पे बैठा हूँ, मुझे पता चला बापू को शुगर हो गई, और खाओ मीठा और खाओ, सुनती नहीं, खाओ मीठा। थैंक यू गॉड, दैट्स माय सेट, यू बीन अ लवली लवली ऑडियंस। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसके अलावा मैं हूँ इंस्टाग्राम पे, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, गौरव अंडरस्कोर कॉमिक पेन हैंडल का नाम है, और जितने भी लाइव अपकमिंग शोज हैं उनकी डिटेल मैं फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ फॉलो कर सकते हो। सो सी यू सून गाइस, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय बाय। ओके, बहुत ही अमेजिंग लगा। और डॉटर के बारे में ये चीज़ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं करते हैं, लड़के भी केयर करते हैं, लड़के भी कुछ कुछ होते हैं जो कि पढ़ाकू होते हैं, हमारे क्लास में तो काफ़ी ज़्यादा थे लोग, लड़के भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू थे और कंपटीशन होता था हमारे में, लड़के भी उतने ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और उतने ही ज़्यादा हमारे ग्रुप में तो थे एक्टिव, और इसी तरह के ग्रुप से मैं हूँ बिलोंग करती, बट ऐसा भी है कि लड़के ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स की, जबकि उन्हें मन्नतों से, मोस्ट ऑफ द लड़के मन्नतों से ही पैदा होते हैं, इतने मन्नतें मांगते हैं माँ बाप की, हमारे एक लड़का हो जाए, मेरे लड़का हो जाए, और उसके बाद लड़के पैदा होते हैं, एंड उसके बाद पैदा होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं इन लाइफ, और वो फिर जाके माँ बाप सोचते हैं कि वाय, मतलब हमने इसको पैदा किया, क्यों हमारा दिमाग ख़राब किया, और इससे अच्छी तो बेटी ही है कि दूसरे के घर जाके भी अब हमारी फिक्र कर रही है, हमें पूछ रही है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटियों के पास, तो वो चीज़ें जैसे कि इन्होंने बताया कि लाइफ पार्टनर किसको बनाना है, क्रिस्टल क्लियर होती है वो कि किसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसको फ्रेंड जोन करना है, किसके किसकी नियत अच्छी है, किसकी नियत, वो हमारे अंदर एक सिक्स सेंस से होती है कि हमें पता चल जाता है दैट्स दिस गाय इज़ नॉट अ गुड गाय, तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है पहले से ही, तो हम लोग उस चीज़ को ये तो अच्छी बात कही, ये अच्छा चीज़, मतलब मुझे ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही जस्ट लाइक कि मतलब डॉटर के बारे में इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही कि मैं एकदम ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई वीडियो को देख के, तो जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। डॉटर्स जितनी भी आउट देयर हैं, ऐसा नहीं है कि लड़का अच्छा है लड़की बुरी है या लड़की अच्छी है लड़का बुरा है, मैं मुझे लगता है कि दोनों ही अपनी जगह पे सही है और दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए, और दोनों को ही अपने पेरेंट्स का ख्याल भी रखना चाहिए और सारी चीज़ों का मैनेज अच्छे से करना चाहिए, तभी जाके ये सोसाइटी बनेगी अच्छी। तो चलिए, हम अच्छा करेंगे तो हमारी सोसाइटी भी अच्छा ही बनेगा। तो चलिए, मैं इस वीडियो को इसी होप के साथ मैं इस वीडियो एंड करूंगी। आई होप कि आपने मेरा रिएक्शन एंजॉय किया होगा इस वीडियो के ऊपर, अगर एंजॉय किया होगा मी नो बाय क्लिकिंग लाइक बटन, कमेंट करके बताओ आपको रिएक्शन कैसा लगा और आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के ऊपर, ये भी जरूर से बताना। तो चलिए, मैं इस वीडियो को भी एंड करूंगी, मिलूंगी भी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।